जय हिंद विद्यार्थियों, आपने सीखी रहा है धोरण 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 त्रिकोण। विद्यार्थियों, आज त्रिकोण चैप्टर है तेमा आपणे अभ्यास कर रहा है छेल्लो स्वाध्याय एटले के स्वाध्याय 6.5। आजना वीडियो में आप स्वाध्याय 6.5 में आगे वधीशु प्रश्न 13 थी। आगळना जे कई पण प्रश्न है त्रिकोण चैप्टरना जे कई पण आ स्वाध्याय आगळना प्रश्न है तमारा कदाच जोवाना बाकी रही गया हो तो विद्यार्थियों तमे तेने जोई लेजो। तमने अहीं स्क्रीन पर आई बटन देखाय छे, ते आई बटन पर क्लिक करीने तमे ते आगळना वीडियो जोई शको छो। विद्यार्थियों, आगळना कंईक बे के त्रण वीडियोमां तमने गणतरीवाळा दाखला करावया छे अने ते गणतरीवाळा दाखला अगत्यना छे, तो तेने ध्यानपूर्वक जोजो। अने बीजा एक्स्ट्रा दाखला पण तमने प्रेक्टिस माटे आपवामां आव्या छे, तेनी प्रेक्टिस पण करजो। हवे विद्यार्थियों, आपणे स्टार्ट करिए। तो आजना वीडियो में आपणे प्रश्न 13 की शुरुआत करिए। तो प्रश्न 13 ने सौथी पहेला आपणे रकम ने समझीशुं। रकम ने समझीने आपणे एक आकृति दौरवानी छे, केम के तमारी टेक्स्टबुक में आ प्रश्न ने लगती कोई आकृति आपवामां आवती नथी। विद्यार्थियों, तो एकदम ध्यानथी रकम ने समझजो, आवडी जाय तेवो दाखलो छे, खूब ज सहेलो छे। तो रकम में ध्यान आपजो। ए बी सी में खूणो सी काटखूणो छे। विद्यार्थियों, ए बी सी एटले त्रिकोण समझवानुं छे। अत्यारे तमारे ए लोकोए टेक्स्टबुक में पण त्रिकोण शब्द मूक्यो नथी, तो आपणे जाते अंडरस्टेन्डिंग करवो पड़शे के आ लोको त्रिकोणनी वात करे छे। त्रिकोण ए बी सी छे, तेमां खूणो सी काटखूणो छे अने डी अने ई अनुक्रमे तेनी बाजुओ सी ए अने सी बी परना बिंदुओ छे। विद्यार्थियों, आकृति दोरीए तो तमने समझ पड़शे। तो सौथी पहेला आपणे काटकोण त्रिकोण दोरवो पड़शे, केम के खूणो सी काटखूणो छे ने एटला माटे। तो काटकोण त्रिकोणनी आकृति दोरीए। तो विद्यार्थियों, आ काटकोण त्रिकोण दौरी दीधो, काटखूणो छे। हवे काटखूणा पर क्यों बिंदु लेवा कीधु? खूणो सी काटखूणो छे एटले तमारे अहींया बिंदु सी लेवो पड़े। तो ऊपर लई लईए ए अने अहीं लई लईए बी। त्रिकोण ए बी सी काटकोण त्रिकोण जेमां खूणो सी काटखूणो, डी अने ई अनुक्रमे तेनी बाजुओ सी ए अने सी बी परना बिंदुओ छे। ओके विद्यार्थीओ, बिंदु डी ए बाजू सी ए पर कहेवाય, बाजू सी ए छे तेना पछी बिंदु डी। हवे बिंदु डी आखी बाजू सी ए पर क्यां मूकवानो? ते लोकोए एक्झेक्ट कीधुं नथी के आटला अंतरे मूको। एनो अर्थ एवो कहेवाય के तमे आ जे बाजू सी ए छे ने ते बाजू सी ए पर कोई पण जग्याए तमे बिंदु डी ने मूकी शको छो। तो आपणे आ रीते वच्चेथी જેવું લઈએ, વચ્ચેથી લઈએ એનો અર્થ એવો સમજવાનો નથી કે બિંદુ ડી એ મધ્ય બિંદુ છે, એવું બિલકુલ સમજવાનું નથી। આખી બાજુ પર અહીં પણ લઈ શકાય, અહીં પણ લઈ શકાય, પરંતુ વચ્ચેથી એટલે લઈએ કે એટલે આપણને ગણતરી કરતી વખતે ખ્યાલ આવે કે એક્ઝેક્ટ કઈ બાજુ કઈ છે, ગૂંચવારો ન થાય એટલા માટે। એના પછી બિંદુ ઈ છે બાજુ સી બી પર। તો જુઓ, આ નીચે બાજુ સી બી છે, તે બાજુ સી બી પર બિંદુ ઈ છે, તો આપણે એને અહીંયા કશે લઈ લઈએ। तो विद्यार्थियों, जे परिणाम साबित करवानुं छे तेने जुओ। ए ई स्क्वेर वत्ता बी डी स्क्वेर शोधो। ए ई देखाय ए थी ई, अत्यारे देखातुं तो नथी परंतु तमने बिंदु ए अने ई देखाय छे, तो एनो अर्थ एवो कि आपणे ए ने ए अने ई ने जोड़वुं जोईए। तो आ जे ए ई छे तेनो स्क्वेर वत्ता बी डी स्क्वेर, तो बी अने डी बिंदु देखाय छे तेने पण जोड़ी दईए। तो बी डी स्क्वेर ए ईनो स्क्वेर वत्ता बी डीनो स्क्वेर, आ बन्नेना स्क्वेरनो सरवारो कोना जेटलो थाय छे? तो ए बी स्क्वेर वत्ता डी ई स्क्वेर। देखाय बाजू ए बी त्रिकोणनी आ रही बाजू ए बी, ए बीनो स्क्वेर वत्ता डी ईनो स्क्वेर, डी अने ए बिंदुने पण जोड़वा पड़शे। चलो जोड़ी दईए। तो आ बन्नेना स्क्वेरना सरवारा जेटलो। तो विद्यार्थियों, आकृति तमारी सामे तैयार थई गई। तमारे आ आकृति परथी तमारे साबित करवानुं छे के ए ई नो स्क्वेर वत्ता बी डी नो स्क्वेर बराबर ए बी नो स्क्वेर वत्ता डी ई नो स्क्वेर, आ बन्नेना स्क्वेरनो सरवारो कोना जेटलो? तो आ ए ई अने बी डीना स्क्वेरना सरवारा जेटलो। विद्यार्थियों, खूब ज सहेलो, आरामथी थई जशे। हवे विद्यार्थियों, तमने आ आकृतिमां एक वस्तु तो तमने खबर पड़ी ज गई छे के पायथागोरसनो प्रमेय वापरवो पड़े। सीधी वस्तु छे, एनुं कारण शुं? केम के स्क्वेर आवे छे। हवे तमारे कया कया त्रिकोण लेवाना अने एमां पायथागोरसनो प्रमेय वापरवानुं ते समजवानुं छे। तो विद्यार्थियों, वात करूँ तो जेटला पण काटकोण त्रिकोण तमने आकृतिमां देखाय ते दरेके दरेक काटकोण त्रिकोणमां पायथागोरसनो प्रमेय वापरवो पड़शे, बराबर? केम के जुओ, तमने डी ई स्क्वेरनी जरूर छे, एटले के आ काटकोण त्रिकोणमां पायथागोरसनो प्रमेय वापरवानो। तमने ए ई स्क्वेरनी जरूर छे, ए ई नो स्क्वेर, एटले के आ ए ई वारो काटकोण त्रिकोण देखाय। विद्यार्थियों, मैं आंगळी फेरवुं छूं तेटलो भाग काटकोण त्रिकोण छे, तेमां पायथागोरस वापरवानो। तमने बी डी स्क्वेर देखाय छे, आ बी डी, तो आ जे त्रिकोण बने छे ते त्रिकोण पण काटकोण छे। जुओ, काटखूणा बिंदु सी बधा त्रिकोणमां कॉमन छे, काटखूणा पर छे, एटले एमां काटकोण वापरवानो।
ओके विद्यार्थी हमने ए बी पर देखाय ए बी स्क्वेर तो आप मूल त्रिकोण मूल मेन सौथी मोटो काटकोण त्रिकोण के चार चार काटकोण त्रिकोण में पाइथागोरस प्रमेय वापरव पड़ से। पाइथागोरस प्रमेय वापरिया पीछे आप परिणाम ने सैट करूँ। सैट के रीते करवा तो तमने ऑटोमेटिक ख्याल आ जाए। तो विद्यार्थी तमने सारी रीते समझ पड़े ये आप चार चार काटकोण त्रिकोण ने आकृति ने छूटी करे। तो विद्यार्थी आप नाना त्रि एक काम करें आ बे त्रिकोण पहला लई लीए ए ई और बी डी वाला। तो आज त्रिकोण देखाय है कि जेमा बाजू ए ई है देखाय है विद्यार्थी बाजू ए ई ते त्रिकोण ने पहला सेपरेट करूँ अने थोड़ूक नानू दोरीश जेथी जग्या गणतरी माटे वापरी शकाय एवा उद्देश्य थी। तो विद्यार्थी आज त्रिकोण दोरी रह ते काटकोण त्रिकोण है अने ए बिंदु ऊपर है अने आ बिंदु है ई ए मैं आज त्रिकोण ए ई सी है बार मूकी दीदो। हवे विद्यार्थी आ त्रिकोण तो ये बार मूकी दी व्यवस्थित दौरी आप जरा। ओके विद्यार्थी आ काटकोण त्रिकोण आ त्रिकोण है डी सी बी देखाय बराबर डी सी बी डी सी बी। एना पछी विद्यार्थी आप मूल त्रिकोण अने आ एक नानो अमस्तो त्रिकोण आ बेने तो मूल त्रिकोण है आप ए बी सी तेने बार मूकी दी है। हमें नीचे दौरव पड़ से अच्छा आप मूल त्रिकोण जे है ए बी सी अने छेल्ला नानो तो चुकडो त्रिकोण त्रिकोण डी सी ई ने जराक नानो दौरी आप तो काटकोण त्रिकोण डी सी ई। विद्यार्थी चार चार त्रिकोण आकृति ने बार मूकी दीदा बस हमें तमारा चार चार त्रिकोण में एक पछी एक पाइथागोरस प्रमेय वापरवानुं छे एटला तमारुं काम थई गयुं बराबर। विद्यार्थी चार चार त्रिकोण में बिंदु सी काटखूणा पर है कॉमन बिंदु है चार चार में कॉमन खूणो है। चलो स्टार्ट करिए। हवे विद्यार्थी दाखलो थोड़ोक लांबो थशे तो दाखला में तमारे जीनी जीनी वस्तु अमुक एवी वस्तु होय के जे नहीं लखो तो चाले अमुक वस्तु तमे थोड़ूक शॉर्टकट वापरी सको। दाखला तरीके पाइथागोरस प्रमेय प्रमाणे वालो शब्द एवा बधा शब्द न लखे तो चाले। ओके विद्यार्थी तो चलो ध्यान आपजो। तो त्रिकोण आप आ त्रिकोण थी स्टार्ट कर दी है त्रिकोण ए सी ई। त्रिकोण ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय प्रमाण तमे शू लखी सको तो ए ई नो स्क्वेर बराबर ए सी नो स्क्वेर वत्ता सी ई नो स्क्वेर। ओके विद्यार्थी ए सी नो स्क्वेर वत्ता आ छे सी ई एनो स्क्वेर। हवे बीजो त्रिकोण छे त्रिकोण डी सी बी। त्रिकोण डी सी बी में शू लखाय पाइथागोरस प्रमेय प्रमाण कर्ण काटखूना नी सामे कर्ण कर्ण छे बी डी अथवा डी बी। चल आ लोग आम आम बी डी लखेलू छे तो आपणे बी डी लखीशुं बी डी नो स्क्वेर बराबर बाकीना बेना वर्गोनो सरवाळो तो सी डी नो स्क्वेर वत्ता बी सी नो स्क्वेर सी डी स्क्वेर वत्ता बी सी स्क्वेर। ओके विद्यार्थी समझ पड़े आ सी डी और आ बी सी तेनो स्क्वेर नो सरवाळो लीधो। हवे आ त्रिकोण त्रिकोण ए सी बी में एमां पण पाइथागोरस प्रमेय वापरीए तो ए बी स्क्वेर बराबर ए सी स्क्वेर वत्ता बी सी स्क्वेर। अने एना पछी आ त्रिकोण त्रिकोण डी सी ई। त्रिकोण डी सी ई में एमां पण पाइथागोरस प्रमेय वापरीए तो कर्ण डी ई नो स्क्वेर बराबर सी डी स्क्वेर वत्ता सी ई स्क्वेर। परिणाम एक बे त्रण अने चार। चलो विद्यार्थी हवे तमे ज विचारो अने केवो मने के शू करवू जोईए आगळ। तमारे जे वस्तु साबित करवानुं छे ते तमने ऑटोमेटिक कही रह्युं छे के आवुं करो केवुं करो तो ए ई स्क्वेर वत्ता बी डी स्क्वेर ए ई स्क्वेर वत्ता बी डी स्क्वेर। तो आ वस्तु आपने एवं कही है कि परिणाम एक अने बेनो सरवारो करो। सरवारा पर ऑटोमेटिक सादुरूप आपी आपीने आपणे आगळ वधीए तो चलो स्टार्ट करिए। तो आपणे आगळ एवं करवू पड़े कि परिणाम एक अने बेनो सरवारो करता। चलो विद्यार्थी तो कहजो मने सरवारो शू थाय छे तो डाबी बाजूनो सरवारो बराबर जमनी बाजूवाड़ा सरवारो। तो डाबी बाजू है ए ई स्क्वेर अने बी डी स्क्वेर तो आ बने सरवारो ए ई स्क्वेर वत्ता बी डी स्क्वेर बराबर जमनी बाजूवाड़ा सरवारो ए सी स्क्वेर वत्ता सी ई स्क्वेर वत्ता बीजू शू देखाय तमने सी डी स्क्वेर वत्ता बी सी स्क्वेर।
ओके विद्यार्थी, हवे आमां तमारे शुं सादुरूप आपवानुं? तो हवे तमारो टार्गेट छे के अहींया लावो ए बी स्क्वेर अने डी स्क्वेर, ने ते नीचे देखाय छे ए बी स्क्वेर अने डी स्क्वेर, बराबर। जो विद्यार्थी, हवे ए बी स्क्वेर क्यारे तमे लखी शको छो? के ज्यारे ए सी स्क्वेर वत्ता बी सी स्क्वेर आ बंने भेगा होय त्यारे। तो करी देवो भेगा आ ए सी स्क्वेर अने बी सी स्क्वेर ने। चलो तमे भी आवीने भेगा बेही जाओ, तो बस तमारे खाली भेगू बेहवानुं छे एटले अमारुं काम थई जशे। तो आवी जाओ, चलो। तो ए सी स्क्वेर ने साथे भेगू करी दे बी सी स्क्वेर ने, ओके, आ बने ने भेगा करी दीधा, आ बने ने जोड़ी सारी लगती है। हवे एना पछी विद्यार्थी, सी डी स्क्वेर वत्ता सी ई स्क्वेर होय तो डी ई स्क्वेर आवे। तो हाँ विद्यार्थी, ए बेट तो भाई चाहे सी डी स्क्वेर ने सी ई स्क्वेर। तो आपणे पहला सी डी स्क्वेर ने लखी नाखीए अने पछी लखी नाखीए सी ई स्क्वेर ने। तो विद्यार्थी, जो तमने कोई बोलावी रह्यो छे, परिणाम त्रण अने चार बोलावी रह्या छे। आ परिणाम त्रण अने चार एम कहे छे चालो अमे आवाना ત્યાં આવવાના, જો કેવી રીતે? તો એ સી સ્ક્વેર વત્તા બી સી સ્ક્વેર બરાબર એ બી સ્ક્વેર મુકાય, એના પછી વત્તા, અને પેલું પરિણામ ચાર બી બહુ જોરમાં બૂમ પાડે છે કે સી ડી સ્ક્વેર વત્તા સી ઈ સ્ક્વેર બરાબર ડી સ્ક્વેર મુકાય ત્યાં। અને આ વસ્તુમાં કોને મદદ કરી આપણી તે તો કહેવું તો પડે ને ભાઈ બધાને? તો પરિણામ ત્રણ અને ચારે આપણને મદદ કરી છે, થેન્ક યુ કહેવું પડે ને, કે થેન્ક યુ ભાઈ પરિણામ ત્રણ અને ચાર, તો સાબિત થઈ ગયું, બરાબર વિદ્યાર્થીઓ। તમારે જે પરિણામ સાબિત કરવાનું હતું તે તમને દેખાય છે, એટલે આ દાખલો અહીં પૂરો થાય છે, બરાબર વિદ્યાર્થીઓ। ખૂબ જ સહેલો દાખલો, એટલો બધો લાંબો પણ નહીં હતો, ઓકે। તો વિદ્યાર્થીઓ, આ દાખલો ખાલી આકૃતિ જોતી વખતે કદાચ તમને થોડોક હંભક અથવા ખતરનાક લાગી શકે, બાકી ગણતરીમાં તો આના કરતાં સહેલો દાખલો બીજા ઘણા ઓછા હોય છે, બરાબર। અત્યાર સુધી આપણે જેટલા દાખલા કર્યા તેમાં ઘણો સહેલો દાખલો સાબિત થાય છે, અને વિદ્યાર્થીઓ આ દાખલો પણ કદાચ ચાર માર્ક્સમાં પૂછવો હોય તો પૂછી શકાય, બરાબર। તો આ દાખલો તમે જો ગણિતની નોટબુક બનાવી હોય તો સારા અક્ષરે ઉતારી દેજો, અથવા તમે સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો। તો વિદ્યાર્થીઓ, હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળના દાખલા જોઈશું। આ વિડીયોમાં માત્ર આપણે પ્રશ્ન 13 રાખીએ છીએ, પ્રશ્ન 13 ખૂબ જ સહેલો છે, તમે એને એકવાર લખી લખીને કોઈ એક રફ નોટમાં પ્રેક્ટિસ કરજો, એક કે બે વાર તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને આવડી જાય તેવો જ છે। હવે આ જે પ્રશ્ન 13 છે તેના જેવો કોઈ બીજો દાખલો હું તમને આપતો નથી, કેમ કે આ સાબિત કરવાનો દાખલો છે એટલા માટે, એટલે તમારે આ જ દાખલાની પાછી ફરી એકવાર બે વાર પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, અને થોડા થોડા સમયે આવા દાખલાઓનું રિવિઝન કરવાનું પણ ચાલુ રાખજો। તો હવે વિદ્યાર્થીઓ, આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળ વધીશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ।